Kornik kilka lat na kratę. Ktoś dostał szkór dżari. O, reszta jest odpadnia, wahapie. Tym otami, wahapie. Kłęś je termy. Bal, body line se bahar. Czar, ki wie skor 76. Aar khila. करते हैं हमारे मिस्टर साहिल जुल स्वागत समारोह ये नेता को साइकिल हासिल करेंगे रनर सर अपने अच्छा खेल का प्रदर्शन हाथ से करते हुए हमारे बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश हमारे किसी कंपनी रास्ता बॉर्डर और 23 मार्च के दिन ही शहादत जो है मिली उसी दिन आज शहीदों की याद में ये क्रिकेट का टूर्नामेंट जो 11th मार्टियस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कठुआ में ऑर्गेनाइज होता है वो भी ख़त्म हुआ और आपने देखा कि बहुत सारी टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया लोकल भी और बाकी रियासतों की टीमें भी इसमें हिस्सा लिए और आज दो टीमें एक पठानकोट और हरियाणा की टीम के बीच में फाइनल मैच था और हरियाणा की टीम ने अभी ये मैच जीता है और पठानकोट की टीम जो है इसमें रनर अप रही है हमें खुशी है कि जो इवेंट जो है हम और शहीद वेलफेयर कमेटी और जहाँ के बाकी साथी जो हमें इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में सहयोग देते हैं सब मिलके मनाते हैं हमें इस बात का फ़ख्र है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिसकी अपनी हिस्ट्री जो है वो सुनहरी अक्षरों में लिखी जा चुकी है उनके लिए जो शहीदों ने कुर्बानियां दे करके इस जम्मू कश्मीर पुलिस की शान को बढ़ाया अपने मुल्क की सलामती और मुल्क की बहबूदी के लिए जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी हम उनको इसी इवेंट के ज़रिए से याद करते हैं हम सब अपनी तरफ से उनको सलाम पेश करते हैं ये इवेंट बहुत अच्छे से हुई है मैं कठुआ पुलिस को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लंबी इस इवेंट को बड़ी कामयाबी से ऑर्गेनाइज़ किया है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सर वो आतंकवाद के बाद दाबन नशे के ड्रग के खिलाफ किस तरह मुहिम छेड़ने वाली है हमने जिक्र किया अभी आपने सुना कि जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंक के अलावा जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो अभी जो नशा की बढ़ती हुई तस्करी और नशे की बढ़ती हुई लत जो नौजवानों के बीच में फैलाई जा रही है वो है बहुत बड़ी तादाद में एक मुहिम के माफक जम्मू कश्मीर पुलिस हर ज़िले के अंदर जो टीम्स हैं वो उनके ज़रिए से काम करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत सारे तस्करी के केसेस को जो वो पकड़ा है और कुछ केस जिसमें वेपन और ड्रग्स की दोनों की तस्करी पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ आती है उनमें बड़ी सख्त कार्रवाई की गई है कुछ एक ऐसे केसेस भी हैं जो हमारी अपनी SIA स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिए गए हैं कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो हम नेशनल जो NCB है उनके जरिए उनके साथ मिलकर के कर रहे हैं हमारा ये तहैया है हमारा ये पुख्ता इरादा है कि इस यमन में जो हमने जंग छेड़ी है उसको हम लोग मुकम्मल ड्रग्स को ख़त्म करने की उसमें सब लोग मिलकर के काम करेंगे और इसमें आप मीडिया का और लोगों के सहयोग की भी बहुत बड़ी जरूरत है पिछले दिनों भी सर आपने कहा था कि घुसपैठ हुई है कुछ यहाँ पर बड़ी है घुसपैठ किस तरह देखते हैं सर कितना बड़ा चैलेंज है मैंने ऐसा नहीं कहा कि घुसपैठ पड़ी है मैंने ये कहा कि घुसपैठ कम हुई है मैंने ये कहा कि जो बची हुई घुसपैठ है उसको भी ख़त्म करने का हमारा इरादा है कोशिशें होती हैं पार से रजौरी पुंछ में थोड़ा एक कुछ केसेस हुए जहाँ पर कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट किए
वही लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर के जिन्होंने डांगरी का वाकया अंजाम दिया, बेगुनाह लोगों की जान ली। कुछ लोग बाकी जो बारामूला और कुपवारा के जरिए से भी बर्फ़ पड़ने से पहले आए, उनका बहुत हद तक सफाया किया गया है। पिछले अकेले साल के अंदर 56 ऐसे फॉरेन टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों के जरिए से जहां पर लॉन्च किए गए और जहां पर आकर के दहशतगर्दी पाकिस्तान के बयाब पे चला रहे थे, उनका सफाया हुआ। अभी भी कुछ फॉरेन टेररिस्ट बचे हैं, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके वेपन लेके जहां पर लोगों की जान माल का नुकसान करने के लिए, जहां के हालात को ख़राब करने के लिए जहां पर भेजे गए हैं, उनका सफाया किया जाएगा, उसके लिए कार्रवाई जारी है। सर, की ग्रिड पहले से हमारी काफ़ी मजबूत है, इसको और मजबूत करने के लिए कुछ एक और चौकियाँ बॉर्डर के लिए खोली जा रही हैं, उसकी कार्रवाई इस वक्त जारी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो भी अपना काम करना शुरू कर देंगी। इसके अलावा जो ज़रूरतें हैं बॉर्डर की ग्रिड को और ज़्यादा पुख्ता और मजबूत करने की, वो भी करी जा रही है। पाकिस्तान के अपने हालात इस वक्त इतने ख़राब हैं कि उनको बिल्कुल सारा कुछ छोड़ करके अपने घर की तरफ देखना चाहिए। जो दूसरों के लिए गंदगी, दूसरों के लिए तंग, दूसरों के लिए दहशत पैदा करती है, उनके अपने घर के अंदर क्या हो रहा है, उनको उसकी तरफ झांकना चाहिए, देखना चाहिए। और ऐसी करतूतें जो जहां पर की जाती हैं, उसके ऊपर शर्मानी चाहिए। अलग अलग तबकों से, अलग अलग हिस्सों से आतंक में लोग किसी न किसी रूप में शामिल होते रहे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून के जरिए हुई है। पत्रकार हो या कोई और हो, हमारे लिए कानून सबके लिए बराबर है। कुछ एक पत्रकार भी इसमें मुलव्वस पाए गए जो पाक का जो प्रो टेरर नरेटिव है उसको चलाने के लिए या और तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को प्रमोट करने का काम करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और भी कोई इस तरह की नकलो हरकत में पाया जाएगा तो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे।